नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का सिलसिला। यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म मामले में फंसे उत्तराखंड के द्वारहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के एकल पीठ ने विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित महिला को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि महेश नेगी के खिलाफ महिला ने 5 सितंबर को नेहरू कॉलोनी थाने में दुष्कर्म और धमकी के मामलों में 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके खिलाफ महेश नेगी हाईकोर्ट पहुंचे थे। वहीं पीड़िता ने भी हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे के मामले में याचिका दायर की थी। फिलहाल सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति NS धानी की एकल पीठ ने विधायक नेगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित 300 कांग्रेसियों पर मुकदमे दर्ज किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जितने मुकदमे लगाना चाहती है लगा ले, कांग्रेस सरकार आते ही इन सारे मुकदमों को खारिज कर दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का यह कहना है कि कांग्रेस भी कार्यक्रम कर रही है और भाजपा भी, लेकिन पूर्वाग्रसित होकर केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाना सरकार की मंशा को ठीक नहीं दर्शाता। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। मेरा तो ये कहना है कि अपना पूरी तरह मन भर ले ये सरकार, जितने मुकदमे लगाना चाहे लगा दे, हमारी सरकार आ रही है और हम सब मुकदमे खारिज कर देंगे। तो बदले की गई बात पर तो उसी क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं होते? अगर हरीश रावत सिरपुर का की परिक्रमा करने गए रोजगार की दृष्टि से तो मुकदमे लगाना कोई जरूरी नहीं। पहले से आर्थिक तंगी झेल रहे रोडवेज कर्मचारियों को सरकार ने अब तक उनका वेतन नहीं दिया है, लिहाजा कर्मचारी अब हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं, जिसको लेकर रोडवेज कर्मचारियों का यह कहना है कि पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने से उनका परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया है, लिहाजा अब व्यापक रूप से आंदोलन की तैयारी चल रही है। वहीं इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का भी कहना है कि ये सरकार कमिटेड एक्सपेंडिचर के तहत कर्मचारियों को भुगतान तक नहीं दे पा रही, जबकि ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हमारा सबसे मुख्य मांग तो है जो वेतन, जो प्रत्येक कर्मचारी की जो है पर मंथ की जो आजीविका है उसका परिवार का पालन पोषण कैसे हो, ये पहला बिंदु है जी। और दूसरा बिंदु तमाम चीज़ें हैं जैसे उसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी का है वो नहीं मिला है, इनका नियमितीकरण है, 15-15, 20-20 साल से लोग जो है यहाँ पर संविदा और विशेष श्रेणी के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी हैं और यहाँ मैकेनिकल का काम करते हैं गाड़ियों में, और क्या नाम है, 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिस कारण यह है स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। पिथौरागढ़ मुख्यालय से सटे गांव में लगातार बढ़ रहे गुलदार के आतंक से नाराज ग्रामीण आज सड़कों पर उतर आए हैं। मुख्यालय से सटे 6 गांव के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में DM ऑफिस तक जुलूस निकाला और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों का यह कहना है कि 3 लोगों को निवाला बना चुका है, गुलदार को पकड़ने में वन विभाग भी नाकाम साबित रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस आंदोलन में विपक्षी कांग्रेसियों का भी साथ मिला। वहीं पूर्व विधायक मयूक महर ने ऐलान किया है कि वे इस मामले को लेकर वन विभाग में अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, क्योंकि किसी को मार दिया जा रहा है, किसी को घायल कर दिया जा रहा है, किसी को विकृत कर दिया जा रहा है शेर द्वारा, और जो वन विभाग प्रशासन है वो इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। DFO की हर धर्मिता है कि वो न लोगों को तरीके से मुआवजा दिलवा रहा है, न उनकी बात को सुनना चाह रहा है, न ही इस शेर को पकड़ने के लिए पिंजरे की व्यवस्था कर रहा है। ऐसा भाग बजे हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे गांव में कतु 5-7 आदमी उनको करियाल से हमारे इलाके में सब न यो गोरबा न चरण दिम रहे, न हम घास काटन दिम रहे, नंचनान खेलन दिम रहे, न कहीं इधर उधर जा सकम रहे, हम तो बहुत धर्म संकट हो रहे हो। ये आक्रमण में वन विभाग जो है एक निर्धारित उसको क्षतिपूर्ति को करता है, तो इसमें तो स्पष्ट रूप से है कि वन विभाग करेगा, और साथ ही जो भी ये इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं इसमें वन विभाग को तथा सामान्य जनता को भी हमारा एक अपील रहेगा कि वो आवश्यक सावधानी बरतें यदि कहीं। ऋषिकेश में महिला पत्रकार पर हुए हमले को लेकर महिला आयोग के अध्यक्ष महिला पत्रकार का हालचाल जानने राजकीय चिकित्सालय पहुंची। इस दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष ने पत्रकार पर हुए हमले की निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है।
आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को मुनि की रेती स्थित कैलाश गेट पर एक डॉक्टर ने नुकीले हथियार से महिला पर हमला किया था, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं अस्पताल पहुंची महिला आयोग के अध्यक्ष विजय बर्थवाल ने कहा कि उत्तराखंड में महिला पत्रकार पर प्राण घातक हमला किया जाना बेहद दुखद है, जिसका महिला आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया है। यही नहीं, उन्होंने आयोग की ओर से आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। देखिए, ये मैंने वीडियो देखा है और इस तरह से किसी महिला पे हमला करना ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेंगे तो महिलाओं का सरेआम अपमान किया जा रहा है। महिलाओं को, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण की ओर काम कर रहे हैं, तो अगर इस तरह की घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उनके सपने का भी अनादर किया जा रहा है और इसमें तुरंत से कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।